तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल गार्डनिंग गाय में। सब्सक्राइब करें इस चैनल को गार्डनिंग से रिलेटेड अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप गमले में आम कैसे उगा सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, मगर ये वीडियो सबसे कम टाइम में, सिर्फ 3.5 मिनट के अंदर मैंने इसमें पूरा बताया है कि आप गमले में आम कैसे उगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को मैंने एकदम बच्चे से तैयार किया है, जब ये बीज से तैयार किया है मैंने इसे, उसके बाद मैंने इसमें ग्राफ्टिंग की है और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आम आने भी शुरू हो गए हैं। ये इसमें पहली साल है जिसमें इस साल इसमें आम हुआ है, इसके पहले इसमें कभी आम नहीं हुआ। मैंने पिछले साल इसमें ग्राफ्टिंग की थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को, इस आम को आप देख लीजिए। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप पहले इस पौधे को सही से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये पौधा। तो दोस्तों, और ये देखिए आप दूर से, इसमें अभी एक ही आम हुआ है। दरअसल इसमें और भी काफ़ी सारे आम हुए थे, मगर वो तूफान से झड़ गए। आप देख सकते हैं कि ये पौधा कितना लंबा है। दरअसल इस पौधे को, इसका जो मदर प्लांट था उसको मैंने 3 साल तक बढ़ने दिया, मैंने कुछ नहीं किया था। आप देख सकते हैं इसका तना कितना ज़्यादा मोटा है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये करीब करीब 4 फीट लंबा पौधा है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको आम के पौधे के लिए किस तरह के गमले का चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम गमले की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का गमला ही लेना होगा। आप प्लास्टिक की इस तरह की बाल्टी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये बाल्टी थोड़ी टूट चुकी है क्योंकि ये पौधा इसमें काफ़ी दिनों से है। ये दरअसल 25 लीटर की बाल्टी है, मगर अब मैं इसे इस साल के मानसून के मौसम में मैं इसे बड़े 28 इंच या फिर 30 इंच के गमले में शिफ्ट कर दूँगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी मिट्टी की, तो दोस्तों आपको जब इसमें आम की फूल आने शुरू हो जाए तो उस टाइम आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग करते हो तो उससे आम के फूल झड़ जाएंगे। और इसके मिट्टी का हल्का ड्राई रखना है। मैंने अभी 2 महीने पहले जब इसमें आम के फूल आए थे उस टाइम मैंने इसमें गोबर की खाद दी थी। आप देख सकते हैं कि इसका तना कितना मोटा हो चुका है। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक खाद देता हूँ। ऑर्गेनिक खाद में या तो लीफ सूखी हुई पत्तियाँ देता हूँ या फिर गोबर की खाद देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दरअसल यहाँ से ग्राफ्टिंग की थी। यहाँ पे मैंने, ये एक अमरापाली आम का पौधा था, इसके ऊपर एक मदर प्लांट के ऊपर एक स्टॉक लाकर, सायन लाकर मैंने ऊपर एक बड़े पौधे से लगा दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पौधा दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो अभी ये पौधा इतना बड़ा हो चुका है कि ये अब मुझे हर साल आम ज़रूर देगा। इस साल आप देख सकते हैं इसमें दरअसल आम के फूल तो हर डाली पर लगी थी, मगर आम सिर्फ एक ही डाली पर हुआ, क्योंकि ये दरअसल मैंने जब इसमें तूफान आया था तो ये गमला गिर गया था और उससे इसके बाकी सब फूल झड़ गए। आप देख सकते हैं कि आम देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, जब भी इसमें आम के फूल आने शुरू हो जाए तो आप इस पर किसी भी तरह की स्प्रे का छिड़कन ना करें। आप देख सकते हैं इसके पत्तों पर ये वाइट हल्की हल्की इंसेक्ट्स का हमला हुआ है, मगर इसमें मैं इस आम को तोड़ने के बाद ही मैं इसमें यहाँ पे इंसेक्टिसाइड या फिर नीम का स्प्रे का इस्तेमाल करूँगा। अगर आप नीम का स्प्रे कैसे बनना चाहता है वो आप देखना चाहते हैं, जो कि घर पर बन सकता है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, देख सकते हैं ये आम दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और अभी ये ऊपर से पीला होना भी शुरू हो चुका है, अभी गमले में भी पक जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।